Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad. स्पोर्ट्स 360 के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं आपका होस्ट अहमद हमाद। वेस्ट साउथ अफ्रीका बीट पाकिस्तान बाय 6 विकेट इन द सेकंड ओडीआई टू लेवल द 4 मैच सीरीज 1-1 एट वांडरर्स इन जोहान्सबर्ग लास्ट नाइट। पाकिस्तान विनिंग द टॉस एंड ऑप्टेड टू बैट फर्स्ट। इससे पहले पाकिस्तान ने दो चेंजेस की अपनी टीम में। फखर जमान जो हमें पता है कि बहुत अच्छी फॉर्म में थे, एलर्जी की वजह से कल का मैच नहीं खेल सके। उनकी जगह शर्जील खान जिन्होंने PSL में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी उनको टीम में शामिल किया गया था। और एक और चेंज थी वो ये थी कि फास्ट बॉलर हारिस रऊफ की जगह मोहम्मद हसनैन को टीम में शामिल किया गया। पाकिस्तान ने कोई अच्छा स्टार्ट नहीं किया। कल के मैच में मोहम्मद रिजवान ने ओपन किया विद शर्जील खान, और मोहम्मद रिजवान ने बड़ा डिसअपॉइंट किया कि अगर तो मैं उनकी फॉर्म देखूँ लास्ट 10 मैचेस में जिसमें उनके ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही कि 3 हाफ सेंचुरीज, 1 सेंचुरी और 40+ कंजेक्टिव स्कोर 10 इनिंग्स में, उसके बाद से पहली ही बॉल पे जॉर्ज लिंडा को लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर को उन्होंने निकल कर क्रीज में से ट्राई करने की कोशिश की और नाकाम हुए, रिसीव हुए और एक शॉट हवा में चला गया और पहली बॉल पर भी आउट हुए। तो यहाँ पर सवालिया निशान ये आ जाता है कि क्या अगर आपके सामने स्पिनर आ जाता है। हमने देखा 1992 के वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड ने ये ट्रेंड सेट किया था कि दीपक पटेल उनके राइट आर्म ऑफ स्पिनर आते थे और बहुत ज़्यादा टीम जो है वो स्ट्रगल करती थी क्योंकि वो उसको खेलती थी एज एन ऑफ स्पिनर, लेकिन नया बॉल जो होता है वो स्किट ज़्यादा करता है और स्पिन नहीं होगा। तो आपको यहाँ से थोड़ा स्मार्ट रहना पड़ता है। आप समझें कि आप शाहिद खान आफरीदी को खेल रहे हैं या आप अनिल कुंबले को खेल रहे हैं कि स्पिन नहीं है, बॉल स्किट करके तेज़ आएगा, वो अपनी लेंथ से आपको ज़्यादा डिसीव करेंगे। और यही हुआ कि टेम्परमेंट में कह लूँगा पेशेंस की कमी थी मोहम्मद रिजवान की कि पहली बॉल पे निकल के ट्राई करने की कोशिश की। ये क्या गेम प्लान लेकर आए थे, कोचेज ने क्या उनको रोल दिया था कि आपने अटैक करना है फ्रॉम द वर्ड गो, ऐसा होता नहीं है। आपको थोड़ा सा जाने के बाद आई सेट करनी पड़ती है, पिच की कंडीशन को देखना पड़ता है, बाउंस को देखना पड़ता है, बॉलर किस लेंथ पे बॉल कर रहा है, किस पेस से बॉल कर रहा है, एडजस्ट करते हैं आप अपने आप को। आपको ऑब्वियसली 20 ओवर्स का मैच था लेकिन एक ओवर या दो ओवर्स आप चांस ले सकते थे, 10-12 रन भी होते कोई और आपकी विकेट रहती फिर आप उसको अटैक करते, बजाय इसके कि आप फ्रॉम द वर्ड गो आपने ट्राई किया और आपने विकेट लूज़ किया और टीम आपकी अंडर प्रेशर आ गई। उसके बाद से बाबर आजम आए। हमने देखा कि बाबर आजम ज़्यादातर फास्ट बॉलर्स को बहुत अच्छा टाइम करते, बॉल बैट के ऊपर आती है तो उनके लिए ईजी हो जाता है। कल के मैच में क्योंकि साउथ अफ्रीका ने पहले मैच से लेसन लर्न करने के बाद ज़्यादा उन्होंने यॉर्कर्स पे इन्हसार किया और चेंज ऑफ पेस बहुत अच्छी कर रहे थे वो, इसकी वजह से स्ट्रगल किया बाबर आजम ने भी। ऑल्दो कि 50 रन बनाए ऑफ 50 बॉल विच इज़ रन अ बॉल, लेकिन कोई छक्का नहीं लगा सके, 5 चौके लगाए सिर्फ उन्होंने। इसी तरह मैं मोहम्मद हफीज़ की बात करूँ तो 32 ऑफ 23 बॉल्स सिर्फ 6 चौके लगा सके। तो ये दो ऐसी इनिंग्स थी जो सेट हुए बैट्समैन और उसके बावजूद बड़ी इनिंग्स ना कन्वर्ट कर सके, बाउंड्री ज़्यादा नहीं लगी, कोई छक्का नहीं लगा सके। ओपन करने आए थे शर्जील खान, जब पहली विकेट गिर गई तो आपको थोड़ा सा इनिंग को आगे डीप लेके जाना होता है, आपके साथ कैप्टन आ गए हैं, आपने एक छक्का लगा दिया जॉर्ज लिंडा को, लेकिन फिर आपको बाकी सिंगल्स भी हैं, खाली छक्का और चौका क्रिकेट नहीं है, आपको सिंगल्स में भी इन्हसार करना पड़ता है। एक छक्का लगा दिया, बाकी 5 या 4 अगर आप सिंगल्स कर लेते तो 10 रन आपको मिल जाते, ये बहुत अच्छा रन रेट हो जाता है। लेकिन टेम्परमेंट और पेशेंस का हमें फुकदान नज़र आया पाकिस्तान की टीम। हफीज़ के आउट होने के बाद हैदर अली दोबारा आए और हैदर अली के बारे में अब मेरे ख्याल से बहुत हो गया। चीफ सेलेक्टर्स या सिलेक्शन कमेटी या पैनल जो भी सीनियर्स हैं उनको सोचना पड़ेगा। 12 रन बना लिए थे आपने लेकिन उसके बाद से विकेट थ्रो नहीं कर सकते आप। तो देखिए मिडल ऑर्डर में आप आ रहे हैं, आपके पास मजीद कोई और ऐसे रिकग्नाइज बैट्समैन नहीं आना आपके पास, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैच को, वही मैं कह रहा हूँ कि टीम लेके जाना, बिल्कुल एंड तक लेके जाना, आखिर में जाके आप स्लॉग कर सकते हैं। अभी आपने 12 रन बनाए और आप निकल के मारेंगे तो आपके आउट होने के चांसेस, हाँ एक आध दफ़ा आप कनेक्ट भी कर देंगे लेकिन चांसेस ज़्यादा हैं कि आप आउट हो जाए। देखिए गैम्बल करता है जो टीम, जिस टीम ने अगर आपके 3 या 4 बैट्समैन आउट कर दिए हैं तो वो बाय कर रहा है आपकी विकेट, आप अगर उसको एक छक्का भी मार देंगे नेक्स्ट बॉल पे वो आपको आउट कर देगा, यहाँ से खेल रहा है आपके।
तो आपको भी यहीं से उसके साथ खेलना पड़ेगा। ये वो गेम की अवेयरनेस है जो हमारे प्लेयर्स में अभी तक नहीं आ रही। यूनुस खान के इनपुट होना चाहिए कि इनिंग को किस तरह बिल्ड करते हैं। यूनुस खान अपनी खुद इनिंग की एग्जाम्पल दे सकते हैं। अगर स्पिनर आ रहा है और आप फुट बाहर निकाल के नहीं खेल रहे, इनिंग से क्रीज से बाहर आकर नहीं खेल रहे, तो आपको स्वीप करना शुरू कर देना चाहिए, आपको बैक फुट पर जाके कट करना चाहिए। हाँ, अगर आगे बॉल कर रहा है तो फिर आप उसको आराम से सीधा मार सकते हैं, और अगर सीधी लंबी शॉट भी मार रहे हैं तो इतनी जानदार शॉट हो कि बाउंड्री के अंदर आप कैच ना कर सकें, और या फिर ऐसी जगह शॉट लगाएं जहाँ पे फील्डर ना हो। तो ये वो गेम अवेयरनेस है, ये वो टैक्टिक्स हैं जो बैट्समैन को पाकिस्तान टीम में आने के बाद नहीं सिखाई जाती। आप जब पाकिस्तान टीम में आते हैं तो आपकी गेम डेवलप हो चुकी है, अब आपको परफॉर्म करना है, आपको दिखाना है वर्ल्ड को कि आप एक तैयार प्लेयर हैं, बजाय इसके कि ये एकेडमी नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट टीम, ये आप इसमें आएंगे तब आपको सिखाया जाएगा। हैदर अली जैसे, बहुत मैंने पहले प्रोग्राम में कहा, जैसे हमारे पास बेताशा प्लेयर्स हैं कि जो आते थे दो चार चौके लगाए, जिसमें अहमद शहजाद, उमर अकमल, इमरान नज़ीर एक अलग क्लास थी, लेकिन इस तरह के प्लेयर्स आते हैं, दो तीन शॉटें खेलते हैं और विकेट थ्रो कर देते हैं, तो टीम का पर्पज सर्व नहीं करते, टीम के साथ ज्यादती कर देते हैं। एंड बैटिंग फर्स्ट, पाकिस्तान स्कोर्ड 140 रन फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट्स एंड दे स्टिपुलेटेड 20 ओवर, और 7 रन पर ओवर विच इज़ नॉट गुड इनफ। कोई चैलेंजिंग टास्क नहीं था साउथ अफ्रीका के लिए कि इतनी अच्छी बैटिंग पिच, हमने देखा कि पिछले मैच में 188-189 पाकिस्तान ने चेस कर लिया, उस विकेट पे अगर आप 140 कर रहे हैं तो आप समझ जाए कि आप 50-60 रन शॉर्ट हैं, और जब ये टारगेट किसी ने चेस करना है 50-60 रन शॉर्ट का, तो उसके ऊपर से आपने प्रेशर हटा दिया, वो ईजी होके रिलैक्स होके खेल रहा है। जब वो रिलैक्स होके खेल रहा है तो वो तमाम शॉट खेल रहा है। हमने देखा एडन मक्रम ने बहुत खुल के खेला, लंबी इनिंग्स के एडन मक्रम स्कोर 54 of 30 बॉल्स विद द हेल्प ऑफ 7 fours and 3 sixes। तो ये छक्कों की तादाद जो है वो डिफाइन कर रही है कि आप कितना अच्छा सेट हो गए हैं। आप 34 बॉल आपने कंज्यूम किए बजाय इसके कि आप पहली बॉल पे निकल के मार पाते, तो आई सेट करना बहुत ज़रूरी है, बजाय इसके कि आप टेनिस बॉल नहीं खेल रहे, आप 6 overs का मैच नहीं खेल रहे, आप स्वीप में नहीं खेल रहे, आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं। तो इंटरनेशनल क्रिकेट की रिक्वायरमेंट क्या है कि आपका स्टैंडर्ड भी इंटरनेशनल ही होना चाहिए। कल के मैच में कुछ रिकॉर्ड भी कायम हुए, और रिकॉर्ड ये था कि मगाला, साउथ अफ्रीकन फास्ट बॉलर, उन्होंने साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में लॉन्गेस्ट ओवर कर दिया। लॉन्गेस्ट ओवर का क्या मतलब है कि उन्होंने तकरीबन तो नहीं एग्जैक्टली 12 बॉल्स का ओवर कराया, जिस टू स्टार्ट विद 3 नो बॉल्स की, और नो बॉल्स के बाद फिर वाइड बॉल्स, और कंट्रोल नहीं था। और मैंने ये देखा कि कोई साउथ अफ्रीकन प्लेयर, सीनियर प्लेयर, इवन उनके हेनरिक क्लासन जो विकेट कीपर कैप्टन है, उन्होंने भी जाकर उनको समझाया नहीं कि रिलैक्स हो, रनअप को दोबारा मेजर कर लो और फिर आके बॉल करो, अंदर बॉल करो, लेकिन वो अपनी मर्जी से ही वो बॉल करते रहे, और जो मिड ऑन मिड ऑफ पे फील्डर थे उन्होंने भी जाके उनको काम डाउन नहीं किया, तो एक 12 बॉलों को ओवर किया। इससे पहले ये रिकॉर्ड डेल स्टेन के पास था, जिन्होंने 11 बॉलों का T20 वर्ल्ड कप में एक ओवर करवाया था। तो मेघालय के नाम अब हो गया है साउथ अफ्रीका की तरफ से लॉन्गेस्ट ओवर कराने का रिकॉर्ड। अब पहले ओवर में उन्होंने 18 रन दिए, लेकिन उसके बाद से कमबैक देखेंगे, पाकिस्तान की बैटिंग जो बिल्कुल चल नहीं रही थी, तो उन्होंने बाकी 3 ओवर्स में 13 रन दिए। तो इन टोटल अगर 4 ओवर में 35-40 रन दिए हैं पहले ओवर में 18 रन कंसीड करने के बाद, तो अच्छी परफॉर्मेंस मैं कहूँगा। पाकिस्तान की तरफ से बैटिंग जो है वो नाकाम रही कल टोटली। जॉर्ज लिंडा 3 आउट किए, इसी तरह विलियम्स ने भी 3 आउट किए, लेकिन तबरेज शमसी ने भी 1 आउट किए लेकिन 21 रन दिए। तो ये 3 बड़े इकोनॉमिकल बॉलर थे, और इसके अलावा ओवरऑल पाकिस्तान ने 7 रन की रन रेट से स्कोर बोर्ड पे लगाया, और फिर साउथ अफ्रीका ने इजीली 10 रन पर ओवर के हिसाब से चेस करते हुए 14 ओवर्स में 140 रन कंप्लीट कर लिए। 36 बॉल्स टू स्पेयर थी, और ये कन्विंसिंग विन थी साउथ अफ्रीका के लिए। उसके अलावा उनके कैप्टन ने हेनरिक क्लासन ने 36 रन की इनिंग खेली ऑफ जस्ट 12 बॉल्स विद द हेल्प ऑफ 4 fours and 1 six। 12 गेंदों पे 36 रन बनाना एक बहुत अच्छी धुआंधार इनिंग मैं कहूँगा, और मैच विनिंग इनिंग भी कहूँगा। जॉर्ज लिंडा जिन्होंने बॉलिंग बहुत अच्छी की थी, बैटिंग में भी आए और फिर 20 रन के साथ नाकाबले शिकस्त रहे, और इसी वजह से उनको मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। अब ये सारी परफॉर्मेंस देखने के बाद मैं चाहूँगा कि अगर मैं पाकिस्तान की बॉलिंग का थोड़ा सा एनालिसिस करूँ, शाहीन शाह अफरीदी नए बॉल से हमने देखा है कि आगे बॉल पिच करते हैं, जो राइट हैंड बैट्समैन को बॉल इन स्विंग करते हैं,
विकेट लेते हैं वो अब उनमें नजर नहीं आ रहा कभी कि क्या वजह है कि उनका इनस्विंग खत्म हुआ हुआ है। इस वक्त वो नया बॉल आगे ज़्यादा पिच नहीं कर रहे हैं, फुट लेंथ में बॉल कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं कि उनको याद दिखाना पड़ेगा। जिस हमने देखा माजी में मोहम्मद आमिर की स्विंग खत्म हो गई, तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि एक दिन में आपसे एक आपके पास सलाहियत है और वो खत्म हो जाए। आपको देखना पड़ेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, बॉल की कंडीशन क्या है, क्यों नहीं स्विंग हो रहा। अगर स्विंग नहीं भी हो रहा तो देखिए, कल हमने देखा साउथ अफ्रीका ने ज़बरदस्त मुजाहरा किया अपनी फास्ट बॉलिंग का या डिसिप्लिन बॉलिंग का, तो जिस तरह पहले मैच में नहीं कर सके थे उसे लेसन लर्न किया और कल बहुत अच्छी बॉलिंग। यॉर्कर्स पे बहुत अच्छा है निशान। तो पाकिस्तान के पास जब इतने अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं, उससे ज़्यादा पेस है साउथ अफ्रीका पे, आप यॉर्कर्स क्यों नहीं कर रहे? आप 150-145 के दरमियान बॉल कर रहे हैं आप और ज़्यादातर चेंज ऑफ पेस कर रहे हैं, तो आप चांसेस बैट्समैन को ज़्यादा दे देते हैं कि वो शॉट मार लें क्योंकि बॉल की पेस कम है। लेकिन अगर आप तेज़ बॉल कर रहे होंगे और यॉर्कर लेंथ कर रहे होंगे तो आपके पास विकेट लेने का भी चांस होगा। तो ये यहाँ से गेम अवेयरनेस में बार बार कहता हूँ कि गेम अवेयरनेस ये है कि अगर आप स्टंप्स में बॉल कर रहे हैं तो सेम ओल्ड थ्योरी, यू मिस आई हिट। तो अगर वो मिस करेगा तो पैड पे लगेगी, लेग पे बॉल हो जाएगा, बैट और पैड को मिस करेगी तो फोल्ड करने के ज़्यादा चांस। ये सारी चीज़ें हैं कि अब हमने देखना है कि 1-1 ऑल हो गई है सीरीज, दो मैचेस रहते हैं, तीसरा और चौथा मैच सुपर स्पोर्ट्स पार्क सेंचुरियन में खेला जाना है, जहाँ पे पाकिस्तान ने वनडे इंटरनेशनल के दोनों मैचेस जीते हैं। तो पाकिस्तान को वहाँ पे थोड़ा सा साइकोलॉजिकल एडवांटेज है कि हम वहाँ पे वनडे इंटरनेशनल जीते हैं, तो हमें वही परफॉर्मेंस रिपीट करनी होगी, कंडीशन हमें सूट कर गई हैं हमें। क्या फ़खर जमान वापस आएंगे शर्जील खान की परफॉर्मेंस के बाद, क्या हारिस रूफ वापस आएंगे, ये वो सारी चीज़ें, या अरशद इकबाल, मोहम्मद वसीम जो और हमारे रिजर्व प्लेयर्स हैं उनको मौका देते हैं, ये देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान की सिलेक्शन जो है अब वो क्या, कल जो मैच खेला जाना है उसमें पाकिस्तान क्या परफॉर्मेंस देता है, सीरीज में कमबैक करता है या साउथ अफ्रीका जीत के सीरीज में लीड लेता है। तो फिर लास्ट मैच जिस जो होगा तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप 2-1 डाउन होने के बाद आएँ तो आप ओनली सीरीज को लेवल ही कर सकते हैं, लेकिन 2-1 अप होके आप लास्ट मैच खेलेंगे तो थोड़ा सा मोराल जो है वो आपका हाई होता है और आप सीरीज जीतने की कोशिश करते हैं। तो वी विश पाकिस्तान क्रिकेट टीम बेस्ट ऑफ लक कि कल का मैच जीतें और उसके बाद से फाइनल मैच भी जीतें और ये सीरीज अपने नाम करें और अपनी रेटिंग जो है उसको इम्प्रूव करें। टिल द नेक्स्ट प्रोग्राम, इट्स गुड बाय फ्रॉम स्पोर्ट्स 360। कीप ऑन वॉचिंग स्पोर्ट्स 360 विद अहमद हम्माद फॉर लेटेस्ट न्यूज, views and interviews of sports personalities from around the world.